जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारे पास महिंद्रा कंपनी की एक्सयूवी गाड़ी आई हुई है। फ्रेंड, इसमें कस्टमर जी का प्रॉब्लम क्या है कि जब खड्डे में गाड़ी जाती है, नॉर्मल खड्डे में या ज़्यादा खड्डे में, तो लेफ्ट साइड से गुड़गुड़ 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 करके आवाज़ आती है। तो आज इसका हम सस्पेंशन ओपन करने वाले हैं और उसमें चेक करेंगे कि वो आवाज़ किसका है, किस कारण से आता है। उस आवाज़ को हम इसमें बंद करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका दोनों व्हील ओपन करते हैं, व्हील ओपन करके स्टैंड पर लेते हैं और उसका खोलना स्टार्ट करते हैं। हमने अब इसका सस्पेंशन देखिए चेक कर रहे हैं। स्टीयरिंग का एंड हमने ओपन किया है, तो इसका हम एक एक चीज़ निकाल कर चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किसका आवाज़ है। ये हमारी महिंद्रा कंपनी की XUV 500 है। फ्रेंड, इसमें सिर्फ हमको आवाज़ बंद करके देने का है, पूरा सस्पेंशन का काम नहीं करने का। जो आवाज़ है वही हमको बंद करके देने का, उतना ही काम करने का है। हमारे कस्टमर जी का वही कहना है कि जितना जो कुछ गया है वही हमें बताइए। तो इसका हम खाली लिंकेज उनके चेक करते हैं। देखिए, ये लिंकेज हमने ओपन किया है, ये लिंकेज बराबर है। देखिए, ये ऊपर का भी बराबर है, ये हमारा एंड भी बराबर है, पोलजेंट भी बराबर है। इसका हम बैलेंस और बूस्ट चेक करेंगे। इतना हम वो साइड से भी खोलते हैं, ये हमारे लेफ्ट साइड का है। राइट साइड से भी हम लिंकेज और एंड खोल के दोनों चेक करते हैं। अगर ये सब बराबर रहेगा तो स्टीयरिंग का हम प्ले चेक करेंगे। अगर स्टीयरिंग में प्ले रहेगा डम्पर किट में तो भी आवाज़ आएगा। तो हम पहले चेक करते हैं सस्पेंशन का जो भी पार्ट्स है उसको चेक करके फिर उसके बाद स्टीयरिंग देखते हैं। स्टीयरिंग में अगर प्ले रहेगा तो इसका स्टीयरिंग ओपन करेंगे। तो हमने ये राइट साइड का भी ओपन कर दिया। देखिए, ये राइट साइड का भी हमारा एंड बराबर है, बॉल जॉइंट भी बराबर है। इसका ये लिंकेज है, ये देखिए हमारा लिंकेज भी बराबर है, प्ले लाइक नहीं है। देखिए, ये देखिए ऊपर का भी हमारा बराबर है, रुक रहा है। देखिए, जहाँ हम छोड़ रहे हैं वहीं रुक जा रहा है। फ्रेंड, हम इसका अब एक बार स्टीयरिंग जरा चेक करते हैं। ये हमारा बैलेंस रॉड बूस्ट भी बराबर, देखिए ऊपर नीचे जंप नहीं हो रहा है। तो हम अब इसका स्टीयरिंग बाहर निकालेंगे और स्टीयरिंग बाहर निकाल कर उसका चेक करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इसका स्टीयरिंग शॉर्टकट में बाहर निकालेंगे, इसका धड़ी ओपन नहीं करेंगे। जो गियर का अंडर फाउंडेशन है वो फाउंडेशन खोल देंगे गियर का, उसका ब्रैकेट निकाल देंगे और यहाँ से देखिए स्टीयरिंग का कॉलम है, यहाँ से एक बोल्ट ओपन करके ये देखिए ये कॉलम का बोल्ट खोल देंगे। क्रॉस को ऊपर लेकर थोड़ा यहाँ से हम डायरेक्ट स्टीयरिंग बाहर ले लेंगे, बैलेंस रॉड जो है ऊपर कर देंगे। तो अब हम खोलते हैं और खोल के फिर आपको निकाल कर बाहर दिखाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, हमने इसका स्टीयरिंग का दोनों पाइप ओपन कर दिया है। ये देखिए, हमने स्टीयरिंग का पाइप भी ओपन कर दिया है, इसका गियर का माउंटिंग भी ओपन कर दिया। देखिए, हमने यहाँ रखा है, ये वाला माउंटिंग आपको ओपन करना पड़ेगा, गियर का माउंटिंग जो नीचे का गियर का माउंटिंग आता है, क्योंकि आप जब स्टीयरिंग यहाँ से बाहर लेंगे तो गियर का माउंटिंग आपको उधर अड़चन देगा। इसके लिए गियर का माउंटिंग ओपन कर लेंगे तो आपका स्टीयरिंग यहाँ से ईजिली बाहर आ जाएगा। तो अब इसका हम क्रॉस का बोल्ट खोलेंगे स्टीयरिंग का। ये देखिए, ये बोल्ट खोल के 12 का, और उसके बाद हम इसका स्टीयरिंग बाहर निकालते हैं और फिर बाहर निकाल के आपको इसका प्ले चेक करके दिखाते हैं। तो हमने इसका एयरबैग ओपन किया है स्टीयरिंग रैक खोलने के लिए। देखिए, आपको एयरबैग ओपन करने के लिए ये जो दो लॉक है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसको प्रेस करना है ये दोनों बाजू से। यहाँ से स्क्रू ड्राइवर डालकर, यहाँ से स्क्रू ड्राइवर डालकर ये लॉक को आपको दबाना है। जैसे आप लॉक दबाएंगे एयरबैग आपका दोनों साइड से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये तार को, ये इसका ये लॉक है, ये जैसे लॉक आप दोनों दबाएंगे आपका एयरबैग बाहर आ जाएगा। फिर आपको ये सॉकेट ओपन करना है। सॉकेट ओपन करने के लिए ये जो पीला येलो कलर का लॉक है ये ऐसा बंद रहता है, तो ये आपको ऊपर लेना है, ऐसा ऊपर करके और उसके बाद आपको सॉकेट खींचना है तो आपका सॉकेट बाहर आ जाएगा। तो हमने एयरबैग बाहर ले लिया है, ऐसे स्टीयरिंग ओपन करेंगे। तो हमने स्टीयरिंग व्हील भी बाहर ले लिया है।
अब इसका स्टेरिंग का नीचे से कॉलम का जो बोल्ड है खोल के कॉलम ओपन करेंगे और रैक बाहर लेंगे। रैक बाहर लेके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हमने इसका स्टेरिंग रैक बाहर ले लिया है। ठीक है फ्रेंड, ये हमने इसका स्टेरिंग रैक बाहर ले लिया है। तो हमने इसका कस्टमर से बात किया है तो उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें इस स्टेरिंग रैक रिपेयर नहीं करवाना है, नया डालना है। तो हमने इसका नया स्टेरिंग रैक भी अरेंज किया है। देखिए ये इसका नया स्टेरिंग रैक है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये अब हम इस गाड़ी में फिट करने वाले हैं, अब फिट करके आपको दिखाते हैं। तो अब हमें नया वाला स्टेरिंग रैक फिट करेंगे क्योंकि हमारे कस्टमर जी ने स्टेरिंग रैक खुद लेके आए और बोले कि नहीं, हम स्टेरिंग रैक खुद लेके आते हैं, उसे नया डाल दीजिए, रिपेयर मत कीजिए। तो हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं। नए का देखिए, नया स्टेरिंग रैक है, इसका पाइप हम पूरा चेक कर लेंगे क्योंकि कह रहा था कभी कभी कंपनी से भी भूल हो सकती है, तो इसके लिए चेक करना अपना फ़र्ज है। ठीक है, टाइट है, डाल दीजिए स्टेरिंग रैक। तो अब हम ये गाड़ी में फिट करने जा रहे हैं, नया वाला स्टेरिंग रैक फिट करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने इसका धड़ी वड़ी नीचे नहीं लिया है, सिर्फ इसका लिंकेज का बोल्ट खोला है, लिंक रॉड निकाल कर बैलेंस रॉड को हमने ऊपर कर दिया है और जो गियर का माउंटिंग हमने आपको दिखाया था, नीचे वाला, पीछे वाला, क्रॉस मेंबर के ऊपर वाला, वो आपको ओपन करना पड़ेगा। ये दो चीज़ ओपन करके आप आसानी से इस स्टेरिंग रैक को बाहर ले सकते हैं, आपको इसके लिए धड़ी वड़ी खोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा स्टेरिंग रैक अंदर बैठ चुका है। अब हम इसका जो स्टेरिंग का धड़ी का बोल्ट है रैक का, उसका बोल्ट चारों टाइट करेंगे, उसके बाद इसका पाइप लगाएंगे। देखिए इसके पाइप में कैप लगा हुआ है, नया वाला कैप, देखिए दोनों लगा हुआ है, कैप निकाल के हम इसका स्टेरिंग का पाइप लगाएंगे। तो हम अब इसका फिटिंग करना चालू करते हैं। तो अंसारी जी, क्या क्या फिटिंग हो गया? सर सब हो गया। सब हो गया, लिंकेज उनके सब टाइट कर दिए? जी जी, सब टाइट, सब सब। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या क्या टाइट हो गया करके। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा टायर रॉड टाइट हो गया है, इसमें क्वार्टर पिन भी डाल दिया गया है। ठीक है, ये हमारा स्टेयरिंग भी फिट हो गया है पूरा। देखिए स्टेयरिंग का दोनों पाइप हमने ओपन किया था, पाइप लग गया है। इसका जो क्रॉस आता है स्टेयरिंग का, जो आपको रैक को घुमाता है, ये भी हमारा फिट हो गया है। इसका जो चारों बोल्ट आता है वो भी फिट हो गया है। गियर का फाउंडेशन हमने ओपन किया था, वो भी फिट हो गया है। तो ये हमारा दोनों बाजू से पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी गाड़ी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें हम पावर स्टीयरिंग ऑयल डालेंगे और पावर स्टीयरिंग ऑयल डालने के बाद उसे गाड़ी स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद फिर चेक कर लेंगे कहीं से ऑयल ऑयल लीकेज नहीं है ना। अगर कहीं से हमारा ऑयल ऑयल लीकेज नहीं रहेगा तो उसके बाद हम इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे और जो हमारा आवाज़ का कंप्लेंट था उसे टेस्ट ड्राइव लेके चेक करेंगे कि हमारा जो आवाज़ था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी गाड़ी पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है। अब हम इसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल डालने जा रहे हैं क्योंकि हमने इसका पावर स्टीयरिंग ऑयल, पावर स्टीयरिंग रैक जो है ओपन किया था, इसमें रिप्लेस किया। देखिए फ्रेंड, इसमें ये साइड डम्फर किट आता है और स्टीयरिंग का रैक बूस आता है, और रैक बूस पूरा तरह से ख़त्म हो गया था। तो हमने इन्हें कस्टमर जी को बोला कि हम इसको रिपेयर करते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको रिपेयर नहीं करना है, एक काम करिए नया डाल दीजिए। तो इसके वजह से हमने इसका स्टीयरिंग रैक पूरा नया डाल दिया है, असेंबली, वो हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो ये हमारी गाड़ी पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है। देखिए दोनों साइड से हमने टायर वायर लगा दिया है इसका। अब हम इसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल डालने जा रहे हैं। देखिए पावर स्टीयरिंग ऑयल हमारा कैस्ट्रोल का है, देखिए हमने कैस्ट्रोल का ऑयल मंगाया है इसके लिए। तो हम पावर स्टीयरिंग ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल के और फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके ऑयल लीकेज वीकेज का प्रॉब्लम जो भी है एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें पाइपलाइन ओपन किया है और इसमें ऑलरेडी कंपनी का भी पाइपलाइन आता है। देखिए ये देखिए, ये जून में हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दो पाइप लगता है, ये दो पाइप, तो क्या होता है कंपनी ये फिटेड किया है लेकिन भरोसा नहीं है कि कंपनी में कभी कभी क्या लूज छोड़ देता है या कुछ थ्रेड क्रॉस चढ़ा देता है। तो इसके लिए हम चालू करके प्रॉपर चेक कर लेंगे कि कहीं से ऑयल लीकेज नहीं है ना। ऑयल लीकेज नहीं रहेगा तो फिर हम इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद जो हमारा कंप्लेंट था आवाज़ का उसे चेक करेंगे। तो अब हम इसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल डाल रहे हैं, पावर स्टीयरिंग ऑयल डाल कर उसके बाद इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे। तो ये हमारी एक्सयूवी पूरी फाइनल हो चुकी है।
देखिए हमने इसको डाउन करके इसका व्हील भी टाइट कर दिया है, दोनों साइड का टाइट चेक कर लीजिए। अब हम इसका अंदर का एयरबैग लगाएंगे। तो फ्रेंड हमने इसको सेंटर पे ले लिया है, ये टोटल आपका 5.5 राउंड घूमता है, तो आपको 2.5 राउंड पे ला के इस पर रखना है। हमने 2.5 राउंड पे रखा है इसको, और दोनों व्हील आपका सीधा रखना है। देखिए हमने दोनों टायर सीधा रखा है, दोनों टायर सीधा रहना चाहिए, ठीक है, टायर टेढ़ा वेढ़ा नहीं रहना चाहिए, दोनों साइड दोनों बाहर का टायर जो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। उसके बाद इसको 5 राउंड घुमाइएगा, 5 राउंड घुमा के फिर 2.5 राउंड पे ला दीजिएगा। हमने इसको 2.5 राउंड पे ला के रखा है। फ्रेंड हम इसका टेम्परेरी नट लगा रहे हैं, अब इसका हम टेस्ट ड्राइव लेंगे। टेस्ट ड्राइव लेके स्टीयरिंग सेंटर चेक करके और उसके बाद से इसको फाइनल टाइट करके एयरबैग लगा देंगे। तो हम यही पोजीशन पे एक बार ट्रायल लेते हैं, ट्रायल लेके अपन चेक करते हैं, उसके बाद स्टीयरिंग सीधा करके और इसका एयरबैग फाइनल लगाएंगे। तो अब हम इसको टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहे हैं। तो फाइनली अब हम इसका टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं। अब हम इसका टेस्ट ड्राइव लेके इसका आवाज़ भी चेक करेंगे और इसका स्टीयरिंग भी सीधा करके लाएंगे रास्ते में। फ्रेंड देखिए हम इसका टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, अभी तक तो फिलहाल कोई आवाज़ नहीं आया है। देखिए ब्रेकर से भी उतरता था तो खट करके आवाज आता था। देखिए हम आपको ब्रेकर से उतार के दिखाएंगे गाड़ी। ये हमारा ब्रेकर से देखिए चढ़ा, ये देखिए, ये हमारे गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं है। हमारा लेफ्ट साइड से आवाज़ आता था, देखिए हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं। सुन सकते हैं आप, ये हमारे गाड़ी का जो कंप्लेन था आवाज़ का वो सॉल्व हो चुका है। देखिए अब हम खड्डे में गाड़ी कुदा रहे हैं, देखिए कोई आवाज़ नहीं है, सुन सकते हैं आप लोग भी। तो देख सकते हैं हमारा स्टीयरिंग भी एकदम लेवल है, राइट लेफ्ट थोड़ा भी नहीं है। देखिए हमने सेंटर करके छोड़ा है, थोड़ा सा हमारी गाड़ी जो है लेफ्ट साइड खींच रही है, तो हम इसका जो आगे का टायर है उसको लेफ्ट राइट कर देंगे, उसको पलटी कर देंगे, तो हमारा जो लेफ्ट साइड थोड़ा खींचना बंद हो जाएगा। देख सकते हैं आप हमारा स्टीयरिंग एकदम लेवल है, थोड़ा भी राइट लेफ्ट नहीं है। तो अब हम इसी पोजीशन पर हम स्टीयरिंग का जो नट है उसको टाइट कर देंगे और इसका एयरबैग फिट कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो गैरेज पे गाड़ी ले जाकर और हम फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हम इसका टेस्ट ड्राइव लेके आ गए हैं। ये हमारा स्टीयरिंग भी लेवल है, बराबर है, थोड़ा भी टेढ़ा नहीं है, तो हम इसको फाइनली टाइट कर देंगे। अब हम इसका जो एयरबैग ओपन किए हैं उसको फाइनली टाइट कर देंगे। जैसा कि सुबह हमने आपको बताया था कि लॉक ऊपर करके तब इसको निकालिएगा, सॉकेट को आसानी से निकल जाएगा। अब हम इसको फिट कर देंगे। इस तरह से लॉक करके फिर आपको ये जो येलो लॉक है इसको प्रेस कर देना है, ये आपका फाइनल टाइट फिट हो गया है। फिर यहाँ से आपको एक हॉर्न वाला सॉकेट लगाने का, देखिए यहाँ पे ये हॉर्न के लिए देता है। ये हमने दोनों सॉकेट लगा दिया है, ये हमारा एयरबैग का भी सॉकेट बैठ गया है और ये भी बैठ गया है हॉर्न का भी। तो अब हम इसको आसानी से फिट कर देंगे, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ऐसा दबाना है दोनों साइड से एकदम। देखिए इस तरह से हमारा हॉर्न भी बज रहा है। अगर फ्रेंड आपका जो इसका जो रेल है जो चक्री जिसे बोलते हैं हॉर्न का, अगर कभी आप रॉन्ग बिठा देंगे तो टूट जाएगा, फिर आपका हॉर्न ऑन नहीं बजेगा और मीटर में एयरबैग का लाइट भी आएगा। अभी हमने फाइनल टाइट कर दिया है, अभी हम एयरबैग का लाइट चेक करते हैं हमारा कोई लाइट वाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए
देख सकते हैं। तो हमने इसका स्कैनिंग करके एयरबैग का लाइट आ रहा था तो हमने उसको क्लियर कर दिया है, देख सकते हैं। अभी हमारा कोई मीटर का लाइट नहीं आ रहा है, ये डोर ओपन का लाइट आ रहा है और हैंड ब्रेक हमने लगाया इसके लिए, हैंड ब्रेक का लाइट आ रहा है। तो ये हमारी गाड़ी फाइनल हो चुकी है, हमने इसका टेस्ट ड्राइव भी ले लिया है और हमारा स्टेयरिंग भी सीधा कर दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड हमने इस गाड़ी में स्टेयरिंग रैक रिप्लेस किया है क्योंकि खड्डे में जब जाता था तो बहुत आवाज़ मारता था, उसका स्टेयरिंग रैक का जो डंपर किट रहता है और बूस रहता है वो पूरी तरह से चला गया था। तो इसके लिए हमने इसमें कस्टमर से बात किया, उन्होंने बोला नहीं हमें रिपेयर नहीं करना है, नया डालना है, तो हमने इसके लिए इसलिए नया डाल दिया है। तो आज का हमारा वीडियो था, अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।